हाल ही में प्रोजेक्ट 75i अप्रूव किया गया है, जिसमें 6 कन्वेंशनल सबमरीन को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। साथ ही लोकली सबमरीन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कैबिनेट समिति ने 50,000 करोड़ के अमाउंट के साथ 3 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के ऑर्डर को भी अप्रूव कर सकती है। साथ ही इन तीनों सबमरीन को मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनाया जाएगा और 95% इसमें यूज होने वाले पार्ट भी देश में ही बनाए जाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। 2030 तक इंडियन नेवी में 24 सबमरीन को ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। जिस तरह कुछ सालों में काम हुआ है, उसे देखकर लगता है कि इस टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा या फिर लगभग इस टारगेट के पास जा सकेंगे। हाल के दिनों में INS चक्रा जो हमने रशिया से लीज पर ली थी, उसे 10 महीने पहले रशिया वापस भेज दिया गया है, जिससे हमारे पास एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। यानी फिलहाल के टाइम पर हमारे पास एक भी SSN क्लास की सबमरीन नहीं है। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हमारे पास INS अरिहंत है, पर आपको मैं बता दूं कि यह SSBN क्लास की सबमरीन है, ना कि SSN क्लास की। SSBN सबमरीन होती है वह बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है, वहीं पर SSN एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है। यह भी एंटीशिप मिसाइल क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकती है, पर इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड होती है, जिससे यह पेट्रोलिंग करने में काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही यह काफ़ी शांत भी होती है। वहीं पर INS अरिहंत को लाइफ टाइम में एक बार रिफ्यूल करना पड़ेगा। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जो ये 3 सबमरीन बनाई जानी है, ये भी INS अरिहंत जैसी होगी। इन्हें विशाखापट्टनम में 50,000 करोड़ की लागत पर DRDO बनाएगा। साथ ही इनमें 95% देश में बने पार्ट को यूज किया जाएगा और अगले 3 सबमरीन में इसे और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट में 3 सबमरीन को अभी बनाया जाएगा, बाकी 3 को बाद में बनाया जाएगा। तो टोटल देखें तो 6 सबमरीन का ऑर्डर है। इसे बनाने में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी साथ लेकर चला जाएगा। यह उम्मीद की जा रही है कि इन सबमरीन को किसी फॉरेन कंट्री हेल्प के बिना ही बना दिया जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फ्रांस, जर्मनी, रशिया की हेल्प भी ले सकते हैं। साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि यह हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा, इससे कई नए रोजगार पैदा होंगे। यह ऑर्डर भी रक्षा आधुनिकीकरण प्रस्ताव में से एक है, जिन्हें 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मंजूरी दे दी गई थी। भले ही इसमें काफ़ी डिले हुआ हो, फिर भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। वक्त रहते सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया है। यह 6 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में कैपेबल होगी। साथ ही एक और न्यूज़ की बात करें तो पेंगोंग लेक में जारी डिस्प्यूट के चलते ITBP के जवानों को निगरानी करनी पड़ती है, पर अब इसे और सरल बनाने के लिए 29 नई बोट को खरीदा जाएगा। 12 बोट्स का ऑर्डर गोवा शिपयार्ड को दिया गया है। साथ ही 17 बोट का ऑर्डर एक प्राइवेट शिपयार्ड को दिया जाएगा। अब यह बोट्स तैयार हो रही हैं, इनमें प्रोटेक्शन के लिए एक हैवी मशीन गन दी गई है। साथ ही इन्हें सर्विलांस गियर से इक्विप्ड किया गया है। इन बोट को निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चाइना की तरफ से होने वाली हलचल पर ध्यान रखा जा सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।